ये देखो भाई काफी जबरदस्त बना रखा है यार, पूरे बीच में ना ऐसे ही बना रखा है, पूरी टाइल्स वाइल्स लगा के जबरदस्त माहौल भाई। यहाँ स्कूटर लगे हुए हैं, मैंने काफी जगह पूछा, उधर भी पूछा उधर भी पूछा, कोई 100 से नीचे दे नहीं रहा, 1 लाख से नीचे दे रहा, तो ये भाई साहब 60,000 में मान गए। तो ये स्टैचू है भाई जो कि है लेडी बुद्धा का, जिसकी हाइट है ना, स्टैचू की हाइट है 67 मीटर। भाई डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट से तो नकार ही नहीं सकते, आपकी डेवलपमेंट है ही नहीं वियतनाम के अंदर, कोई भी नहीं कह सकता डेवलपमेंट नहीं है, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट है भाई। हरियाली हरियाली के ऊपर तो बहुत ज्यादा खर्चा किया है, यही है भाई, छोटी सी मार्केट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक की है 200 या 300 मीटर के आसपास की होगी, और इधर का हेलो दोस्तों, अनादर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई वो दानांग जो पड़ता है वो पड़ता है कोस्ट ऑफ द ईस्ट सी वियतनाम के, और जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो 12 लाख के आसपास है, और जो एरिया है जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है 1284 किलोमीटर स्क्वायर में। तो अभी मैं चल रहा हूँ सी साइड, बीच साइड, आपको बीच दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल बीच है और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू दिखता है वहाँ से, और फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा लिन ओग पगोड़ा। लिनुंग पगोड़ा क्या है, वहाँ पर है लेडी बुद्धा की स्टैचू, काफ़ी खूबसूरत स्टैचू है और काफ़ी ऊंची है, यहाँ सी से भी दिखती है, पूरा सिटी व्यू दिखता है वहाँ से। और फिर शाम को मैं आपको दिखाऊंगा ड्रैगन ब्रिज, ड्रैगन ब्रिज भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और इस यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है, वो दिखाऊँगा शाम को आपको, और नाइट मार्केट दिखाऊँगा। अभी मुझे लगी है भूख, तो चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सीधा चलेंगे बीच पर। इधर भाई ये वन की एक छोटी सी दुकान है, यहीं से मैं ज़्यादातर वन खाता हूँ, तो यहीं से बनवाते हैं वन और फिर चलते हैं सीधा समुद्र की तरफ। हेलो वन वन वन, ये आ गया अपना भाई वन जो कि एग वन है, और ये आ गया अपना ऑरेंज जूस, इसे खाते हैं पीते हैं, चलते हैं फिर बीच साइड। और ये समुंदर है भाई, काफ़ी खूबसूरत समुंदर है, काफ़ी खूबसूरत पानी है भाई, काफ़ी क्लियर पानी है भाई साहब, जबरदस्त। ये देखो भाई, और सामने पहाड़ है एक, काफ़ी ज़बरदस्त पहाड़ है, वहाँ मेरे को जाना है, वो लेडी बुद्धा की स्टैचू दिख रही है आपको, उस पे जाना है मुझे। तो अभी मैं आपको सी साइड दिखाता हूँ, पूरा बीच दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उधर चलेंगे। और ये देखो भाई, लोग नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो इधर बैठ रहे हैं आगे। ये अपने हॉस्टल में रहती है भाई, और यहाँ पर आई है नहाने के लिए। हाँ भाई अम्मी तो भाई मज़ा आ गया नहाकर, नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के बैठ गए इधर। अभी आपको मैं बीच दिखाता हूँ पूरा कैसा दिखता है, और इधर के होटल्स वगैरह बीच साइड से कैसे दिखते हैं वो दिखाता हूँ। और यहाँ पर लोग भाई दूसरी जगह आ गए हूँ मैं अभी, और यहाँ खेल रहे हैं फुट वॉलीबॉल, तो इनसे पूछूंगा अगर खिलाएंगे तो। ये देखो भाई वॉलीबॉल खेल रहे हैं ये। हे गाइस, कैन आई जॉइन इफ आई डोंट, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जॉइन इफ यू डोंट माइंड। आई एम नॉट, आई एम नॉट मच गुड, सो ओके थैंक यू, खेलते हैं भाई, मैं उतर जाता हूँ। ओके टू ऑफ टू राइट, ओके बट वी आर वार्मिंग अप। हाँ ओके, हाँ भाई वॉलीबॉल खेल के मज़ा आ गया, थोड़ी देर खेले, ज़्यादा नहीं खेला, और आगे चलता हूँ मैं, आपको बीच दिखाता हूँ। आप
ये देखो भाई काफी जबरदस्त बना रखा है यार, पूरे बीच में ना ऐसे ही बना रखा है, पूरी टाइल्स वाइल्स लगा के जबरदस्त माहौल। ये देखो कबूतर कितने सारे चुग रहे हैं इधर। और जो यहाँ से लिनुंग पगोड़ा है, पगोड़ा की जो दूरी है यहाँ से वो है 9 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर है यहाँ से दूर। तो देखते हैं स्कूटी वगैरह हाफ डे के लिए मिल जाती है तो स्कूटी वगैरह रेंट करते हैं और सीधा चलते हैं उधर। भाई यहाँ स्कूटर लगे हुए हैं, मैं ना काफ़ी जगह पूछा उधर भी पूछा उधर भी पूछा, कोई 100 से नीचे दे ही नहीं रहा, 1 लाख से नीचे नहीं दे रहा। तो ये भाई साहब 60,000 में मान गए। मैंने बोला 8 बजे तक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, हाफ डे के लिए चाहिए, तो इन्होंने मान गया यार 60,000 में। ठीक है, कहीं 120 की दे रहे हैं, कहीं 80 की दे रहे हैं। यहाँ खड़ी कर दी है, ये अभी स्कूटी है। और भाई यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है यार व्यू सामने का, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई सिटी का कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये समुंदर पूरा जबरदस्त ब्लू और पूरा नीला नीला दिख रहा है भाई साहब, ब्यूटीफुल। तो ऊपर चलते हैं पगोड़ा के, और ये है भाई स्टैचू जो है लेडी बुद्धा की, वहाँ से एंट्री है, ऊपर चलते हैं भाई। इधर देखो यार यहाँ से एंट्री है, सामने ऊपर चढ़ना है। और इधर देखो गांधी जी के 3 मंदिर हैं भाई, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो जबरदस्त। ऊपर चलते हैं पकौड़ा के लिए। यहाँ से भाई एंट्री लेनी है, और जो स्टैचू है वो सामने है और पकौड़ा जो है वो इधर है। तो पहले स्टैचू की तरफ चलते हैं, स्टैचू दिखाता हूँ आपको। ये स्टैचू है भाई लेडी बुद्धा का, कोई एंट्री फीस वगैरह टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप फ्री, कोई एंट्री टिकट नहीं है। ये है भाई स्टैचू जो है काफ़ी ऊंची है यार, ये देखो भाई ये है स्टैचू। तो ये स्टैचू है भाई जो कि है लेडी बुद्धा का, जिसकी हाइट है ना, स्टैचू की हाइट है 67 मीटर, और जो ये फ्लावर है, फ्लावर का जो डायमीटर है वो 35 मीटर का है, काफ़ी खूबसूरत है यार। और जो मार्बल लगा रखा है नीचे, मार्बल लगा रखा है, ड्रैगन बना रखा है पत्थर पर, और ये पूरा स्टैचू बना रखा है। स्टैचू के अंदर भी जा सकते हैं, ऊपर 17 माले है इसके अंदर। तो अंदर से दिखाता हूँ फिर बाहर से दिखाऊँगा आपको। अंदर भाई स्टैचू है, बुद्धा स्टैचू है, और ऊपर के लिए कोई रास्ता नहीं है वैसे, 17 मंजिल तक का है। तो ये टेंपल है भाई, स्टैचू है ये, और ऊपर लेडी बुद्धा की। जैसा कि मैंने बताया भाई अंदर 17 फ्लोर हैं, और 17 फ्लोर पे हर फ्लोर पर 17 स्टैचू हैं, 21 स्टैचू बुद्धा की अलग अलग तरह की। तो बाहर से दिखाता हूँ आपको पूरा स्टैचू, आगे चलते हैं। और ये काफ़ी ज़बरदस्त गार्डन बना रखा है यार, लोग काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पर, ये देखो काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। सब प्रेयर कर रहे हैं। तो ये है भाई लेडी बुद्धा स्टैचू, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और सामने का सिटी व्यू काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है भाई यहाँ से, और सिटी से इधर का काफ़ी ज़बरदस्त व्यू दिखता है, यहाँ से सिटी का काफ़ी ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है, एक नंबर, वो दिखाता हूँ आपको। तो ये है भाई पकौड़ा, और ये देखो भाई इसका नाम है दाइले फाद दान। और इधर भाई साहब क्या ज़बरदस्त गार्डन बना रखा है यार, क्या पौधे लगा रखे हैं, इस पर फल लग रहे हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं पर फल लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल।
ये देखो भाई स्टैचूज बना रखे हैं काफ़ी ज़बरदस्त। और वो देखो भाई जो फ्लोर है ना, सारे फ्लोर दिख रहे हैं। और ये देखो यहाँ से स्टैचू वगैरह काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, गार्डन काफ़ी ज़बरदस्त बना रखा है। ये कौन सा ट्री है यार, ये देखो अमेजिंग, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, खूबसूरती यार अलग ही दिख रही है। और ये पेड़ तो पता नहीं भाई कौन से पेड़ हैं, ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त वो बना रखा है, जो इनकी रूट हैं, जड़ें देखो कैसी हैं, एक नंबर यार, काफ़ी खूबसूरत है। ये पगोड़ा भाई, और अभी चलते हैं यहाँ से सीधा ड्रैगन ब्रिज की तरफ, ड्रैगन ब्रिज दिखाता हूँ आपको, काफ़ी खूबसूरत है यार, आप आओगे ना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ पर आके कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत, दाइले फातान, अमेजिंग ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ही खूबसूरत है यार। और बाकी जो ये प्लांट है ना यार, काफ़ी ज़बरदस्त प्लांट है, ब्यूटीफुल। तो ये था भाई बुद्धा स्टैचू, लेडी बुद्धा स्टैचू, और काफ़ी खूबसूरत पगोड़ा था ये, लिन ओंग पगोड़ा। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सिटी में, और फिर आपको दिखाता हूँ ड्रैगन ब्रिज, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, रिवर के ऊपर, वो दिखाता हूँ चल के आपको, लेट्स गो। अलाउड है। तो ये भाई सामने जो दिख रहा है पूरा ड्रैगन की तरह वो बना रखा है, यही है भाई ड्रैगन ब्रिज, और काफ़ी खूबसूरत एरिया है भाई, ये देखो यहाँ पर ज़बरदस्त। और भाई सारी सिटी ना वियतनाम की भाई, ज़बरदस्त बैठने के लिए गार्डन्स वगैरह सारा कुछ भाई, यहाँ देखो लोग बैठे हैं चिल कर रहे हैं, और ये गार्डन बना रखा है कितना खूबसूरत। और रिवर है ये जो रिवर है ये पीछे से आ रही है, सामने यॉच लगी है देखो भाई क्रूज, और काफ़ी ज़बरदस्त है। एक ब्रिज इधर भी है, पीछे भी ब्रिज हैं, काफ़ी ब्रिज हैं, पर ये सबसे फेमस है यहाँ का ड्रैगन ब्रिज, और काफ़ी ज़बरदस्त बना रखा है यार, ये देखो भाई अमेजिंग भाई। डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट से तो नकार ही नहीं सकते, आपकी डेवलपमेंट है ही नहीं वियतनाम के अंदर, कोई भी नहीं कह सकता डेवलपमेंट नहीं है, इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट है भाई। हरियाली, हरियाली के ऊपर तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया है इन्होंने, पहाड़ भी मुझे लगता है इन्होंने जैसे लाओस में जलाए हैं ना, यहाँ भी जला के इन्होंने दोबारा प्लांट लगाए हैं, सारे पहाड़ों पे प्लांट्स लगा रखे हैं, जो ट्री लगा रखे हैं ताकि ग्रीन ग्रीन दिखे सारा का सारा, सारे पहाड़ भाई ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। और सिटी में देखो यार गार्डन्स वगैरह ज़बरदस्त बना रखे हैं, देख रहे हो कितने खूबसूरत फूल लगाए हैं, ये वाले येलो फ्लावर, रेड फ्लावर, सब तरह के फ्लावर लगा रखे हैं, पैसा लगाया है भाई टूरिज़म पे और उस पर डेवलपमेंट में, ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हों हर चीज़ में। यहाँ से देख के भाई कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आना चाहेगा यहाँ पर यार, कोई कह सकता है भाई कि डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ में पैसा लगाया है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये था भाई ड्रैगन ब्रिज, अब चलते हैं अपने उधर की तरफ, अपने हॉस्टल की तरफ, वहाँ बीच में चलेंगे और आपको नाइट मार्केट वगैरह दिखाता हूँ, लेट्स गो। भाई हॉस्टल की तरफ ही आ गया हूँ मैं, पर थोड़ा सा दूर हूँ, दूसरे ब्लॉक में हूँ, और इधर थोड़ी सी छोटी सी नाइट मार्केट लगती है, नाइट मार्केट है ये, और काफ़ी ज़बरदस्त सजा रखा है यार, ये देखो गेट वगैरह बना रखा है, लाइटिंग वगैरह का इनका भाई वियतनाम में, लाइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लावर्स, ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई यहाँ पर, टूरिस्ट अट्रैक्शन भाई बहुत ही ज़बरदस्त है इनका, काफ़ी अच्छी तरीके से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, एक नंबर। तो ये दिखाता हूँ भाई नाइट मार्केट आपको सामने, इधर भाई मसाज वाले लगे हुए हैं सारे, मसाज का तो हर जगह है भाई, थाईलैंड हो गया या फिर ये वियतनाम हो गया, इधर मसाज के लिए तो हैं, ये देखो मसाज करा रहे हैं सारे सारे। और इधर ये देखो भाई सामान, अंगूठी वगैरह और कार्ड्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह हो गई, उधर वो जूस वाली है, यहाँ चश्मे वगैरह रखे हैं और ये बैग लटका रखे हैं, ये देखो भाई चप्पल वगैरह रखी हैं, सूटकेस वगैरह रखे हैं इधर, और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए इधर, यहाँ खाने पीने का रखा आइटम, ये जूस वाली कॉर्नर हो गया, और ये देखो भाई यहाँ पर सी फूड ऐसे रखे हैं 50 कोम्बो, कोम्बो प्लान चल रहा है भाई ये सारा, 602 6 लाख रुपए, और सारी चीज़ें ले जाओ इसमें से, ना ना थैंक यू आई डोंट लाइक टू ईट। और इधर देखो भाई भुट्टे रखे हैं यार,
हमारे यहाँ तो अभी पके नहीं है पर भुट्टे यहाँ आ गए हैं। हेलो ना, थैंक यू। यही है भाई, छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक की है 200 या 300 मीटर के आसपास की होगी। और इधर का हेलो, दिस बियर जूस स्मूथी ना, थैंक यू। तो ये है भाई इनकी नाइट मार्केट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मार्केट है। वहाँ से लेके यहाँ तक की 200 या 300 मीटर के आसपास होगी, 300 मीटर मान लो। खाने पीने का आइटम है, थोड़े बहुत बच्चे का आइटम है, और एक दो जगह कपड़े हैं, और बाकी मसाज वाले ज़्यादा हैं। इधर रेस्टोरेंट है कुछ, अगर आपको बना के खाना है तो आप बना के भी खा सकते हो। तो चलते हैं भाई, स्कूटी भी वापस देनी है, ज़्यादा टाइम हो गया तो कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ना लगा दे। लेट्स गो भाई। इस रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ मैं। ये क्या है ना, सी फूड वगैरह बनाते हैं। तो मैं एक दिन आया था, मैंने पूछा कि भाई वेजिटेरियन वगैरह मिल जाएगा, तो बोले हाँ वेजिटेरियन मिल जाएगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब सी फूड है। मैंने सी फूड वगैरह मैं नहीं खाता भाई, वेजिटेरियन खाना है। और भी मैंने कई रेस्टोरेंट में देखा यार, मिला नहीं मेरे कोई ढंग का रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर सस्ता भी है ये, 30,000 में, मतलब 30,000 या अपना 100 रुपये के आसपास में मिल जाता है सही सा फ्राइड नूडल वगैरह, तो वो खा लेता हूँ मैं। तो ये है भाई। और खाने में आपको भाई, जैसे यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है पर काफ़ी महंगे हैं यार। इंडियन रेस्टोरेंट का मैं मान लो 105, 100, 100 मतलब 1,00,000 का, मतलब समझ रहे हो आप, 350-300 रुपये से उनकी एक सब्जी स्टार्ट हो रही है। मलाई कोफ्ता हो गया, कुछ भी हो गया, पनीर वगैरह हो गया, उसका ज़्यादा है 140 कुछ ऐसा, तो बहुत महंगा है यार। और जो नान वगैरह है उनका 45-40 का रेट है, 45-40 का मतलब हो गया 150 रुपये के आसपास की एक नान, एक नान में पेट भरेगा नहीं, तो बहुत महंगा है यार। बाकी ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये आगे अपने वेज नूडल, और ये वाला यार मेरे को अच्छा ही लगता, पता नहीं क्यों डाल देते हैं, मैंने मना किया था इसे मत डालना, कड़वा बहुत है यार ये, पता नहीं क्या है। तो ये है भाई वेज नूडल, और यही थी भाई आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।